Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Now, student, we will see question number 4 to see. Question 4 is, a bag contains 9 balls, of which 4 are red, 3 are blue, 2 are yellow. एक बैग है जिनके अंदर 9 बॉल है, उसमें 4 रेड है, 3 ब्लू है एंड 2 येलो है. द बॉल्स आर सिमिलर इन शेप एंड साइज. बॉल क्या है? सेम शेप की है एंड सेम साइज की है. अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग. एक बॉल को निकाला गया बैग के बाहर. कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी. आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी फर्स्ट रेड, सेकेंड पार्ट में कि वो ब्लू नहीं हो, और थर्ड पार्ट में आइदर रेड और ब्लू. सी, तो मैंने यहां पर बैग देख सकते हैं आप, यहां पर 4 रेड है, 3 ब्लू है एंड 2 क्या है, येलो बॉल्स है. Now, अब आप क्या करते हैं, यहां से एक बॉल को जो है आउटसाइड, वन बॉल आप यहां पर क्या निकालेंगे, ड्रॉ करेंगे. दिस इज वन बॉल, आप क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं. अब आप यहां पर फर्स्ट ऑफ ऑल यहां आंसर हम स्टार्ट करते हैं. टोटल नंबर ऑफ बॉल्स यहां पे, यानी टोटल सैंपल स्पेस, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी हो जाएंगे, दिस इज इक्वल टू द 9. एंड फर्स्ट में आपको क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड की, कि वो बॉल क्या हो, रेड की. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कितना हो जाएगा, कितने नंबर ऑफ रेड बॉल हैं, 4 अपॉन में टोटल 9. एंड सेकेंड पार्ट में प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ब्लू, आपको नॉट ब्लू निकालना है, यानी कि नॉट ब्लू. तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप ब्लू के लिए निकालिए और 1 में से सब्ट्रैक्ट करा दीजिए, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू को दिस. अब ब्लू की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स ब्लू कितनी है, 3 अपॉन में 9. 3/9 दट इज इक्वल टू 1-1/3 इक्वल टू 2/3, ये 2/3 हो जाएगा. एंड थर्ड वाला आपका क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ, आपको बताना है प्रोबेबिलिटी ऑफ आइदर रेड और ब्लू, या तो रेड हो या ब्लू हो, तो यानी रेड और ब्लू में से कुछ भी आ सकता है, रेड और ब्लू. तो उसके लिए आपके पास रेड और ब्लू में से कोई भी आपके आ सकता है, तो टोटल रेड कितनी है 4, ब्लू कितनी है 3, तो 4+3 7 में कोई भी एक बॉल आ जाए, बस येलो ना हो, 7/9, ये आपकी 7/9 प्रॉब्लम.